ब्रह्मा की जाए। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে লোকাল 18ৰ আৰু এটা বিশেষ প্ৰতিবেদন। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কাছাৰ জিলাৰ 150 বছৰ পুৰণি এখন মন্দিৰ, যি মন্দিৰৰ নাম বৰম বাবা। আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো ৰাস মহোৎসৱ আৰু মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আচলতে 82 সংখ্যক এই ঐতিহ্যবাহী বৰম বাবাৰ মেলা কেৱল বৰাক উপত্যকাৰ কাৰণেই নহয়, অসমো নহয়, অসমৰ বিভিন্ন আন ৰাজ্যৰ পৰাও ইয়াত ভক্তসকল আহে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে সাধুসকলে। সাধু বাবাসকলৰ লগতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মেলাত আচলতে কি কি হয়, কি কি পোৱা যায়, সেইবোৰো তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিম। একদম মেহুলোকে চাই থাকিব লোকেল 18ৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। है उसको मन में आता खुशी होता है, मन से खुशी होता है। इसका मुनिऋषि जो होता है उसको दान पुण्य करने पड़ता है, तो जाकर भगवान खुशी होता है। और मंदिर से जाने से माता पिता जो है, माता पिता को प्रणाम करना पड़ेगा, उसको पाँव धुआने पड़ेगा, जल पीने से उसको प्रसाद मिलता है। जब प्रसाद सेवा करेगा तो भगवान सही होता है। एक बार बोलो ब्रह्म बाबा की जय, ब्रह्म बाबा की जय, ब्रह्म बाबा की जय। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো কাৰ্তিক মাহৰ ৰাস পূৰ্ণিমা উপলক্ষে কাছাৰ জিলাৰ চিলকুৰিৰ বৰম বাবা মেলা চলি আছে। বৰাক উপত্যকাৰ অন্যতম পুৰণি মন্দিৰ হৈছে শিলচৰ চহৰ সমীপৰ চিলকুৰিত থকা বৰম বাবা মন্দিৰ। এই মন্দিৰটো মূলতঃ ভগৱান বিষ্ণুৰ। এই মন্দিৰত বিষ্ণুৰ শিলা আছে যাক বৰম বাবা বুলি কোৱা হয়। স্থানীয় লোকৰ মতে বৰম বাবা অতি জাগ্ৰত আৰু ভক্তৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰে, যাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে কাৰ্তিক মাহত বৰম বাবা মেলাত লাখ লাখ ভক্তই ভিৰ কৰে। এইবাৰো একে ছবি, 82 সংখ্যক বৰম বাবা মেলাত লাখ লাখ ভক্তৰ ভিৰ জমিছে। অসমকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা সাধু বাবাৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইৰ পণ্ডিতেও এই মেলালৈ আহিছে। यहाँ का जो लोकल पब्लिक है उनके घर में ज़्यादातर लोग रहते हैं, जो भी आते हैं पहले अपना अरेंजमेंट वहाँ कर लेते हैं। यहाँ ऐसे कोई टूरिज्म का जो फैसिलिटीज होता है वैसा फैसिलिटीज नहीं है। कछाड़ से, पूरा कछाड़ से चाय बागान अंचल से लोग बाग आते हैं, आके सब अपना अपना रिलेटिव है या कोई जान पहचान है उनके घर में रहते हैं। और मेला परिसर में जो है हम लोग का लेट्रिन, बाथरूम, पानी का सारा बंदोबस्त है, विथ मेडिकल फैसिलिटीज, विथ मेडिकल, मेडिकल भी सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया गया जाता है। सरकार को हम लोग लिखते हैं, उन लोग तीनों दिन मेडिकल का भी फैसिलिटी देते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आपको नॉर्थ ईस्ट से पूरा ही लोग बाग आते हैं और भी बाहर से भी लोग आते हैं, तो हम लोग से बात करते हैं। और अभी तो मीडिया का युग है तो सारा दुनिया का लोग बाग इसको देख पाते हैं, तो इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा प्ले है कि इस मंदिर का दिखाने को। और मैं मीडिया से अनुरोध भी करूंगा कि एक बहुत बड़ा धर्मस्थली है जिसको आप लोग कम से कम पूरा दुनिया को दिखाएं कि एक कछाड़ का इलाका है जो चाय जनजाति ज़्यादातर यहाँ बैठते हैं, चाय से जुड़ित है, उस एरिया को देखे देख के जाए जिसका प्राकृतिक सौंदर्य जो है अभी भी बना हुआ है। कोई चारों तरफ पहाड़ है, जंगल है, चाय है, तो प्राकृतिक सौंदर्य है जो आकर्षक हो सकता है, आप लोग का माध्यम से ही हो सकता है। और हर साल आते हैं
ब्रह्म बाबा की जय, ब्रह्म बाबा की जय, ब्रह्म बाबा की जय, कल्याण हो, कल्याण हो।